हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन रिगार्डिंग द इक्वेशन वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस टू पाई बाई थ्री, वेर ए एंड ओमेगा डिनोट एम्पलीट्यूड एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी रिस्पेक्टिवली। इन लिस्ट वन सर्टेन क्वालिटी और क्वान्टिटी इज टू बी मैच्ड विद देयर करेक्ट एंट्रीज इन लिस्ट टू। मैच द फॉलोइंग लिस्ट एंड चूज करेक्ट कोट। सो बच्चों, गिवन है हमें एक इक्वेशन y इज इक्वल टू ए, यहाँ से a कॉमन ले लेते हैं। सो दिस इज साइन ओमेगा टी प्लस साइन विद इन ब्रैकेट ओमेगा टी प्लस टू पाई बाई थ्री। अब यहाँ देख सकते हैं हम कि ये दो एस एच एम्स को ऐड किया हुआ है। इट मीन्स हम यहाँ क्या अप्लाई करेंगे, दैट विल बी द प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ एस एच एम्स। सो बच्चों, यहाँ ए एम्पलीट्यूड है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो हमें एंट्री ए में फाइंड करना है कि व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द मोशन। सो इसके लिए हम यहाँ चेक करेंगे जो ब्रैकेट टर्म है, इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, दैट इज साइन सी प्लस साइन डी, जो कि इक्वल टू होगा टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर वन। तो बच्चों, इक्वेशन वन को हम किस तरह से लिख सकते हैं, दिस इज वाई इज इक्वल टू ए विद इन ब्रैकेट आ जाएगा टू साइन, देन विद इन ब्रैकेट सी एंड डी, ये सी है हमारे पास में और ये जो पूरा टर्म है वो डी है। तो ये हो जाएगा ओमेगा टी प्लस टू पाई बाई थ्री एंड होल डिवाइडेड बाय टू। देन लिखेंगे कॉस, अब लिखेंगे फिर ओमेगा टी माइनस, और ये डी को माइनस साइन से ब्रैकेट ओपन कर देंगे, सो माइनस ओमेगा टी माइनस टू पाई बाय थ्री होल डिवाइडेड बाय टू। सो बच्चों, अब हम यहाँ क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो फर्स्ट ब्रैकेट है हमारे पास, ये हो जाएगा टू ओमेगा टी प्लस टू पाई बाई थ्री। तो यहाँ से हम टू को दोनों को डिवाइड कर देंगे, सो दिस इज वाई इज इक्वल टू ट्वाइस ए साइन विद इन ब्रैकेट आ जाएगा ओमेगा टी प्लस पाई बाई थ्री। देन हम सेकेंड ब्रैकेट में देख सकते हैं ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमें मिल जाएगा कॉस माइनस, दिस इज माइनस पाई डिवाइडेड बाई थ्री, क्योंकि टू टू फिर से कैंसिल हो चुके हैं। सो अब यहाँ पर हमें जो फॉर्मूला मिला है वो किस तरह से मिल गया फॉर्मूला, ये जो कॉस है ये इवन फंक्शन है, इट मींस कॉस ऑफ माइनस थीटा को हम लिख लेते हैं कॉस ऑफ थीटा। सो ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू टू ए साइन विद इन ब्रैकेट ओमेगा टी प्लस पाई बाई थ्री मल्टीप्लाइड बाई कॉस पाई बाई थ्री। अब कॉस पाई बाई थ्री मीन्स कॉस 60 डिग्री, जिसकी वैल्यू होती है हाफ। तो ये जो हाफ हमें मिलेगा वो इस टू से कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई थ्री। तो बच्चों, ये आ जाएगा हमारे पास में इक्वेशन नंबर टू। अब यहाँ हम देख सकते हैं इसको जब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एस एच एम से कंपेयर करेंगे, जिसको लिखते हैं वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। सो बच्चों, यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एस एच एम विद द एम्पलीट्यूड ए। अब इसको कंपेयर करेंगे तो एम्पलीट्यूड है ए और इसमें जो इनिशियल फेस है उसकी वैल्यू है हमारे पास में पाई बाय थ्री। तो हम बोल सकते हैं कि ए एंट्री में जो मोशन का आंसर है दैट इज एस एच एम, तो ये आ जाएगा एंट्री नंबर टू। देन बी में हमें पूछा है एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड हम फाइंड कर चुके हैं ए है, तो बी का आंसर आ जाएगा थ्री। अब सी में पूछा है इनिशियल फेस, तो इनिशियल फेस आ चुका है पाई बाई थ्री, तो सी का आंसर आ जाएगा फोर। एंड बच्चों, हमें डी में पूछा हुआ है मैक्सिमम वेलोसिटी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी को हम एक्सप्रेस करते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ एम्पलीट्यूड एंड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सो ये आ जाएगा हमारे पास में, दिस विल बी ए मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। तो इसको हम देख सकते हैं कि ये रिप्रेजेंटेड है एंट्री नंबर सिक्स में। तो हमें सीक्वेंस मिलता है टू थ्री फोर सिक्स, तो इसको हम देख सकते हैं टू थ्री फोर सिक्स मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। थैंक यू।